दोस्तों, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटर्स के बारे में जानेंगे। पॉइंटर्स, यह टॉपिक सी प्रोग्राम में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉइंटर्स के बिना सी प्रोग्रामिंग के सभी एडवांटेजेस को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जब पॉइंटर पहली बार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह थोड़ा कठिन विषय होगा, और यदि सी लैंग्वेज के सभी बेसिक चीजों को हम अच्छी तरह से जानते हैं तो फिर पॉइंटर कोई मुश्किल चीज नहीं है। आइए समझते हैं पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर वास्तव में है क्या? तो पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल ही है। पॉइंटर वेरिएबल में और सामान्य वेरिएबल में केवल इतना अंतर है कि पॉइंटर वेरिएबल में दूसरे जो वेरिएबल्स हैं, सामान्य वेरिएबल्स, उनके मेमोरी एड्रेसेस स्टोर होते हैं। यानी पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है? तो पॉइंटर की वैल्यू वास्तव में किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होगा। तो यानी किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जिस वेरिएबल में स्टोर होता है वह वास्तव में पॉइंटर है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। पॉइंटर को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं? हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में हमें सभी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स क्या होगी? यहां मैंने इसको दिखा रखा है, डेटा टाइप और आस्टरिस्क का साइन लगाकर पॉइंटर नेम, यानी पॉइंटर वेरिएबल का नाम। उदाहरण के लिए ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए हमें किसी इंटीजर पॉइंटर को डिफाइन करना है, तो हमने लिखा इंटीजर INT, जो कि इंटीजर के लिए डेटा टाइप के लिए हम वर्ड काम में लेते हैं, और फिर पॉइंटर का नाम PTR, और उसके साथ हमने आस्टरिस्क का साइन लगाया। तो जब हम किसी वेरिएबल के पहले सफिक्स के रूप में आस्टरिस्क का साइन लगाते हैं तो फिर वो एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। यदि हमें कोई कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करना है तो ये CHAR, ये इस कैरेक्टर वेरिएबल के लिए कीवर्ड हो गया, और फिर PT, ये कोई हमने पॉइंटर का वेरिएबल का नाम रखा और साथ में आस्टरिस्क का साइन लगा दिया, तो फिर ये एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया। इस तरह से पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। एक बार वापस मैं ये रिपीट करता हूं, पॉइंटर वेरिएबल वास्तव में क्या है? तो किसी भी सामान्य वेरिएबल, जैसे कोई इंटीजर वेरिएबल है, रियल नंबर का वेरिएबल है, या कोई कैरेक्टर वेरिएबल है, तो ऐसे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होगा ही, क्योंकि हर वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है। तो जो किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है, उस मेमोरी एड्रेस को भी यदि हम किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो ये जो दूसरा वेरिएबल है जिसमें कि मेमोरी एड्रेस स्टोर हुआ है उसको बोलेंगे पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर्स के साथ में दो ऑपरेटर जुड़े हुए हैं। एक है ये एड्रेस साइन से ऑपरेटर जो बताया जाता है, जिसको बोलते हैं एम्परसेंट का साइन, और ये एड्रेस ऑपरेटर है। और ये दूसरा जो आस्टरिस्क का साइन है, ये वैल्यू एट ऑपरेटर है। इन दोनों ऑपरेटर्स को अब हम समझेंगे। यहाँ ये एक इसके बैकग्राउंड के विषय को हमको समझना चाहिए। देखिए, जैसे ये एक स्टेटमेंट है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 7। यहाँ हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है आई, जिसका मान 7 है। जब हम इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो वास्तव में मेमोरी में होता क्या है? तो जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो तीन काम होते हैं। पहला, मेमोरी के अंदर जिस प्रकार का वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग बाइट्स के अंदर एक मेमोरी में स्पेस डिसाइड हो जाता है। जैसे अगर इंटीजर वेरिएबल है तो मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस डिसाइड हो जाता है उसके लिए। तो पहली बात तो यह है कि जैसे ही हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो मेमोरी में उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग स्पेस रिजर्व हो गया। तो क्योंकि ये वेरिएबल इंटीजर था तो 2 बाइट का स्पेस रिजर्व हो गया। दूसरी बात यह है कि वो जो स्पेस रिजर्व हुआ मेमोरी में वेरिएबल के लिए, उसके साथ उसका नाम जुड़ गया। जैसे यहां पर हमने वेरिएबल का नाम आई रखा था तो इस मेमोरी स्पेस का नाम हो गया आई। और तीसरी चीज, इस मेमोरी स्पेस में अब हम जो वैल्यू असाइन करते हैं वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ 7 वैल्यू असाइन की है तो आई का मान हो गया 7। अब जब ये मेमोरी में ये स्पेस रिजर्व हुआ तो हम ये जानते हैं कि हर मेमोरी लोकेशन का अपना एक यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिटी होती है। तो जैसे इस मेमोरी लोकेशन का नंबर है 2086। ये जो हमने काम किया है, ये जो मेमोरी इस मेमोरी में जो लोकेशन है ये, इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। और जो ये वैल्यू स्टोर हुई है
ये उस वेरिएबल की वैल्यू है जो हमने इस असाइनमेंट वेरिएबल से दी थी। अब इसी को हमने एक छोटा प्रोग्राम बनाया। यहां ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, देखिए, मेन इंटीजर आई इक्वल टू 7, प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ आई इज इक्वल टू परसेंट यू, और फिर हमने कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ आई लिख दिया। इसी तरह से दूसरा प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो देखिए, जो पहला प्रिंट एफ है इसमें मैंने लिखा एड्रेस ऑफ आई इज इक्वल टू परसेंट यू, तो यहां पर ये जो मेमोरी लोकेशन है आई की, इसके एड्रेस का मान आउटपुट में आएगा जो कि है 2086। देखिए इस तरह से एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू 2086। और जब हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिखते हैं वैल्यू ऑफ आई, तो फिर इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो आउटपुट में आएगी जो कि है 7। अब यह जो दो तरीके से दो जो हमने यहाँ पे इस आउटपुट स्टेटमेंट लिखे हैं, इसमें से एक बात को समझिए, वैल्यू ऑफ आई कहने पर और यहाँ आई की वैल्यू को हम रेफर कर रहे हैं प्रिंट एफ में, तो आई का मान आउटपुट में आ रहा है। इस तरीके से जो आउटपुट निकाला जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेफरेंस, या किसी वेरिएबल के को डायरेक्टली रेफर कर उसका वैल्यू को आउटपुट में लेना, ये होता है डायरेक्ट एक तरह से वैल्यू को निकालना। ये तो जो हम सामान्य स्टेटमेंट हम लिखते हैं वैसे ही। पॉइंटर की सहायता से हम इनडायरेक्टली किसी वेरिएबल की वैल्यू को ज्ञात करते हैं, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कैसे करते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर क्या है? एड्रेस ऑपरेटर गिव्स अस द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ डेटा वेरिएबल, यानी एड्रेस ऑपरेटर हमें किसी डेटा वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस आउटपुट में देता है। और वैल्यू एट ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, ये हमें किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर कौन सी वैल्यू स्टोर है वो हमको आउटपुट में देता है। अब पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो पॉइंटर वेरिएबल हमें किसी फंक्शन के बाहर यदि किसी वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी है तो वो हमें प्रोवाइड करवाता है। पॉइंटर वेरिएबल्स के द्वारा जो डेटा टेबल्स हैं उनकी हैंडलिंग ये मोर एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, आसान हो जाती है। कोई जो लेंथी प्रोग्राम्स हैं या जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, उन प्रोग्राम्स को पॉइंटर्स की सहायता से छोटा किया जा सकता है और सरल तरीके से बनाया जा सकता है। पॉइंटर्स उपयोग में लेने पर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ जाती है, यानी कम समय में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से पॉइंटर एरे का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो हम फिर ये पॉइंटर एरे का कॉम्बिनेशन कर और मेमोरी के अंदर स्टोरेज स्पेस को भी हम डायनेमिकली होल्ड कर सकते हैं, यानी स्टोरेज स्पेस को जो हम स्टोर करते हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। फंक्शन पॉइंटर कैन बी यूज टू कॉल अ फंक्शन, किसी फंक्शन को हम फंक्शन पॉइंटर की सहायता से कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉइंटर जो है वो सी लैंग्वेज के जो बिल्ट इन फंक्शन हैं उनके साथ वो काम करते हैं। ये पॉइंटर्स की सहायता से हम किसी वेरिएबल को डायरेक्टली उसकी वैल्यू को रेफर करने के स्थान पर इनडायरेक्टली उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं, इसमें भी पॉइंटर हमारी सहायता करते हैं। चलिए अब एक और उदाहरण से पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते हैं। ये जो उदाहरण मैंने यहां पर स्लाइड में लिखा है आपको इसका आउटपुट बताना है। तो ये एक सरल सा उदाहरण है, देखिए इंटीजर n इज इक्वल्स टू 10 हमने डिफाइन किया, एक वेरिएबल n लिया मतलब जिसका मान 10 है। इसी का हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर पॉइंटर ptr, तो ptr में क्या वैल्यू जाएगी? ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ n, इसका मतलब n का जो मेमोरी एड्रेस है वो ptr में स्टोर होगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए n का मेमोरी एड्रेस ये 2086 है और n का मान तो 10 है ही, वो हमने यहां डिफाइन किया है। अब ये पहला प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट देखिए, इसका आउटपुट क्या आएगा आप बताइए? वैल्यू ऑफ n इज परसेंट d कॉमा n, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका मान आएगा 10 जो कि n का मान है। दूसरा प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है एड्रेस ऑफ n इज परसेंट u एड्रेस ऑफ n, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका आउटपुट आएगा 2086 जो कि हमने n का मेमोरी एड्रेस माना था। तीसरा स्टेटमेंट है एड्रेस ऑफ पॉइंटर इज परसेंट यू कॉमा ptr,
तो पीटीआर में मान कितना आएगा? पीटीआर में वास्तव में एन का एड्रेस है, इसलिए आउटपुट कितना आएगा? 2086। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चौथा है वैल्यू स्टोर्ड इन पॉइंटर इज, इसका आउटपुट कितना आएगा? तो अगर हमने यहां लिखा पॉइंटर यानी वैल्यू एट पॉइंटर, वैल्यू एट पीटीआर, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? तो पीटीआर इसमें जो वैल्यू एड्रेस है, जो एड्रेस है उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है, मतलब एन इज इक्वल्स टू 10, तो मतलब पॉइंटर वैल्यू एट पीटीआर का आउटपुट कितना आएगा? 10। तो मैंने आपको आज इस छोटे से वीडियो के द्वारा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो सी लैंग्वेज में होता है वो समझाने का प्रयत्न किया। तो पॉइंटर यानी क्या है? किसी भी वेरिएबल का वैल्यू मेमोरी एड्रेस जिस वेरिएबल में स्टोर होता है उसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल में हम किसी भी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। ये मैंने आपको आज इस स्लाइड शो में, इस वीडियो में समझाया है। दूसरे इसके वीडियो में हम ये समझेंगे कि पॉइंटर और एरे इनमें क्या संबंध है और पॉइंटर के अंदर किस प्रकार की बीजगणितीय गणनाएं हम कर सकते हैं। धन्यवाद।